नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने में मसालों की बड़ी भूमिका होती है, और ऐसे में अगर बात करें मसालों की तो मिर्च की चर्चा के बिना बात अधूरी रह जाएगी। मिर्च के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। तो आइए कृषि विशेष में आज बात करते हैं मिर्च की। मिर्च की खेती करने वाले प्रमुख एशियाई देश जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की, श्रीलंका आदि हैं। भारत मिर्च की पैदावार करने वाले देशों में पहले स्थान पर आता है। भारत के बाद मिर्च की पैदावार करने वाले देश में चीन दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है। मिर्च मसाला फसलों की सूची में शामिल एक बहुउपयोगी फसल है। मिर्च खाने में अत्यंत तीखी है, लेकिन ये कई बड़े रोगों में अत्यंत लाभकारी भी है। कई वैज्ञानिक शोधों में इसके औषधीय गुणों की पुष्टि हुई है। कमजोर प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के कारण सर्दी, जुकाम, एलर्जी या शारीरिक कमजोरी की समस्या हो सकती है। ऐसे में हरी मिर्च का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारने में फायदेमंद हो सकता है। शोध में पाया गया है कि हरी मिर्च में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हरी मिर्च में पाए जाने वाले ये पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में फायदेमंद हो सकते हैं। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी हरी मिर्च का उपयोग किया जा सकता है। NCBI के शोध में पाया गया है कि हरी मिर्च में पाया जाने वाला कैप्साइसिन कंपाउंड हृदय रोगों की समस्या को दूर करने और सुरक्षा प्रदान करने में फायदेमंद हो सकता है। हरी मिर्च में पाए जाने वाले कैप्साइसिन कंपाउंड में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। ये गुण मधुमेह को कम करने में मददगार हो सकते हैं। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में भी हरी मिर्च अहम भूमिका निभा सकती है। शोध के अनुसार हरी मिर्च गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों को दूर करने में मददगार हो सकती है। एक अन्य शोध में पाया गया है कि हरी मिर्च में कैप्सिकम नामक पदार्थ पाया जाता है, जो पाचन क्षमता को सुधारने में मदद कर सकता है। बढ़ता हुआ रक्तचाप हृदय की समस्या के साथ कई समस्याओं का कारण बन सकता है। हरी मिर्च में पाया जाने वाला कैप्साइसिन इस समस्या को दूर करने में सहायक हो सकता है। मिर्च में एंटी हाइपरटेंसिव गुण पाया जाता है। ये गुण रक्तचाप को नियंत्रित करने में फायदेमंद हो सकता है। मिर्च में बीटा कैरोटीन होता है, जो आंखों को स्वस्थ रखने के साथ दृष्टि को बढ़ाने में मदद करता है। हरी मिर्च बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को दूर करने में भी सहायक हो सकती है। शोध के अनुसार इसके कैप्साइसिन नामक घटक में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया की समस्या और इससे होने वाले संक्रमण को दूर कर सकते हैं। मिर्च एक ऐसी फसल है जो सेहत के लिए भी काफी गुणकारी होती है। इसकी फसल में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसे नेत्र रोग वाले लोग प्रमुखता से लेना चाहते हैं। डॉक्टर नेत्र रोग के शिकार मरीजों को हरी मिर्च के सेवन की सलाह देते हैं। मिर्च में कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होने के कारण इसे हर वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब हों या अमीर, मिर्च का सेवन करना पसंद करते हैं। औषधीय गुणों के मामले में मिर्च को बहुत ही अच्छी फसल माना जाता है। मिर्च में पाए जाने वाले कैप्साइसिन तत्व का उपयोग कैंसर की दवाओं को बनाने में किया जाता है। इस कारण ये कैंसर जैसी बीमारी की गिरफ्त में आने वाले मरीजों के लिए बेहद लाभदायक है। कैप्साइसिन रसायन में दवाइयां बनाने वाले तत्व भी पाए जाते हैं। मिर्च एक ऐसी फसल है जिसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लवण वाली भूमि इसके अंकुरण और प्रारंभिक विकास को प्रभावित करती है। मिर्च की खेती के लिए 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी को सर्वोत्तम माना जाता है। सिंचाई का उपयुक्त प्रबंध होने पर हल्की बलुई मिट्टी में भी मिर्च की खेती की जा सकती है। आइए जानते हैं बागवानी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर जोधपुर के पादप रोग विभाग के सहायक आचार्य हरदयाल चौधरी इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले जो मिर्ची की पौध तैयार करना होता है, तो उसके लिए जो बीज की जो बीज दर होता है प्रति हेक्टेयर, वो लगभग 1 kg प्रति हेक्टेयर इसका जो बीज दर होता है, इसको लोग सबसे पहले अपन पौधशाला के अंदर जो है पौध तैयार करते हैं। पौधशाला में पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले अपन को जो है वहाँ क्यारियाँ तैयार करनी पड़ती है। क्यारियाँ जो है ज़मीन से 15 से 20 cm उठी हुई होनी चाहिए। क्यारी की जो साइज़ होती है वो 3 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसमें बीज की बुआई करी जाती है। बीज बुआई जो है हमेशा लाइन के अंदर करना चाहिए, छिटक कर इसकी जो है बुआई उसमें ना करें।
लाइन सोइंग के अंदर लगभग 2 इंच की दूरी पर लाइनों में इसकी जो है बुआई करी जाती है। बीज लगाने से पहले जो है बीज को उपचारित अपन करते हैं, जिसमें अपने कैप्टान, थायराम, कार्बेंडिजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचार करके फिर जो है लाइन के अंदर बीज की बुआई करते हैं पौधशाला के अंदर। बुआई करने के बाद में किसी भी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद एक लगभग जो है आधा इंच जो है उसके ऊपर जो है परत अपन जो लगाते हैं, जिससे जर्मिनेशन में भी आसानी होता, अच्छे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। उसके बाद निरंतर पंचारे की सहायता से जो है सिंचाई करते रहना चाहिए। जब अपनी पौध लगभग जो है 7 से 8 वीक की सप्ताह की हो जाती है तो वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, या फिर आपका 15 से 20 सेंटीमीटर जो है उसकी पौधे की जो ऊंचाई हो तो भी वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो है तैयार हो जाती है। मिर्च की खेती हर प्रकार की जलवायु में हो सकती है, लेकिन इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौधों के लिए ज्यादा ठंड और गर्मी दोनों ही हानिकारक होते हैं। मिर्च की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अति उत्तम माना जाता है। अगर इससे कम और ज्यादा तापमान होता है तो इसका असर मिर्च के उत्पादन पर पड़ेगा। मिर्च को लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। हरी मिर्च की फसल पर पाले का प्रकोप अधिक होता है। पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में इसकी अगेती खेती की जा सकती है। मिर्च के खेत को तैयार करने के लिए पहले 2 से 3 बार खेत की जुताई करें और भूमि को करीब 5 से 6 बार जोतने के बाद पाटा फेंट कर समतल बना लें। ध्यान रखें कि जुताई करते वक्त गोबर की अच्छी पकी हुई खाद करीब 300 से 400 क्विंटल मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद सही आकार की क्यारियां बना लें और फिर बीज बोएं। पौध को ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले अपन को खेत की तैयारी करनी पड़ती है। खेत की तैयारी करने के लिए पहले 4 से 5 जुताई अच्छी उसके अंदर गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर जो है पाटा लगाकर उसको जो है समतल करना होता है। उसके बाद में जो है उसमें कुछ खाद और उर्वरक भी जो इसमें डालना होता है, जैसे कि अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद, लगभग जो है 20 से 25 टन अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद खेत में मिलाना है। ये खेत की जो है जो लास्ट जुताई करते हैं उस समय उसमें देना चाहिए। नाइट्रोजन के सोर्स में जो है यूरिया होता है, लगभग इसमें जो है 100 किलो यूरिया, जिसका आधी मात्रा अपन जो है लास्ट जुताई के समय और शेष मात्रा फर्स्ट इरीगेशन के समय उसमें देंगे। और दूसरा SSP है 150 kg और पोटास लगभग 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की अंतिम जुताई के समय उसमें डालना है। और फिर उसके बाद में जो है अपन जो है जो पौधशाला में जो पौध तैयार होती है उसकी जो है ट्रांसप्लांटिंग जो है अपन को जो है खेत के अंदर करना है। इसके लिए लाइन सोइंग के अंदर बुआई करते हैं तो 60x7 सेंटीमीटर की जो दूरी जो है पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के जो अपन रखते हैं, बुआई हमेशा शाम के समय करना चाहिए और लाइन सोइंग ही करना चाहिए। और अपन बुआई के तुरंत बाद में जो है इसमें अपन सिंचाई करेंगे, जिससे कि जो है पूरी रात के अंदर जो है उसकी जो पौधे की जो जड़ें अच्छी तरीके से उसमें जम जाए और पौधा जो है ताज़ा और स्वस्थ बना रहे। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण सही तरीके से हो सके। बीज को थेरम या 2 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलो बीज से उपचार कर लेना चाहिए। रासायनिक उपचार के बाद बीज को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 10 ग्राम सिडियोमोनस फ्लोरिसेंस प्रति किलो बीज से उपचार करें और बीज को छांव में रखें। इसके बाद ही बीज को बिजाई के लिए प्रयोग करें। मिर्च की नर्सरी में 15 दिनों के अंतराल के बाद ऑक्सीक्लोराइड 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी से छिड़काव करें। इससे मुरझा रोग से फसल प्रभावित नहीं होगी। किसी भी फसल को यदि संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक दिए जाएं, तो निश्चित रूप से पौधों की अच्छी बढ़वार एवं उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाली फसल भी प्राप्त की जा सकती है। जहां तक संभव हो मृदा जांच के उपरांत ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। मिर्च की फसल के बेहतर उत्पादन के लिए खेत की पहली जुताई के पश्चात खेत में 50 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। इसके अलावा खेत की आखिरी जुताई के समय रासायनिक खाद के रूप में नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम के घोल का छिड़काव करना होता है। इस प्रकार से खेत को तैयार करने से मिर्च की अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। पहली निराई गुड़ाई जो है पौध रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद में करना चाहिए। निराई गुड़ाई के अलावा दूसरा, अगर हम सोचें कि निराई गुड़ाई के लिए अगर अपने पास में लेबर की उपलब्धता नहीं है, तो अपन बुआई से पूर्व ही जो है पेंडामेथालिन आता है,
3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व ही इसको अगर अपन जो है उसमें जो छिड़काव करके या पानी की सिंचाई के साथ में दे करके उसमें खेत की तैयारी के समय ही उसमें डालते हैं तो खरपतवार का जो प्रबंधन है वह अच्छी तरीके से कर, लेकिन ये बुआई से पहले ही डाला जाता है। बुआई के बाद में आप केवल निराई गुड़ाई ही इसमें आप जो है कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है इसमें समय समय पर जो है कुछ पोषक तत्वों के जो है स्प्रे भी अपन को लेना होता है, क्योंकि मिर्च में जो है लगभग आपकी रुपाई के 30 से 35 दिन बाद में इसमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही अपन जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो उस समय NPK 0:52:34 आता है, वो 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका लगता है कि हमें मिर्ची की ग्रोथ अगर प्रॉपर नहीं हो रही है तो NPK 19:19 का भी लगभग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर भी जो है ये स्प्रे अपन को करना है। हर महीने के अंतराल पर जो है इसका स्प्रे आप जो कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। हरी मिर्च की खेती को साल में 3 बार उगाया जा सकता है। हरी मिर्च की खेती के लिए वर्षा ऋतु की फसल लेने के लिए सही समय जून जुलाई का है। दूसरी फसल लेने के लिए सितंबर अक्टूबर में बुआई कर देनी चाहिए। वहीं गर्मी के मौसम की फसल के लिए फरवरी मार्च में बुआई कर देनी चाहिए। देश के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु के हिसाब से मिर्च की किस्मों की खेती की जाती है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसान भाई अपने क्षेत्र में प्रचलित मिर्च की किस्मों की ही बुआई करें। वैसे मौसम के हिसाब से हाइब्रिड उन्नत किस्म की मदद से खेती करें तो पैदावार अच्छी मिल सकती है। इस बारे में किसान अपने क्षेत्र में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र या जिला कृषि अधिकारी से बेहतर किस्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस्में इसमें बहुत सारी आपकी जो है आप लगा सकते हो, जो है RCH फर्स्ट है, CS फर्स्ट, CS सेकंड है, अर्का मैग्ना है, अर्का मोहित है, ये बहुत सारी जो वैरायटियां हैं जो मिर्ची की उचित है। इसमें जो है कीट और रोग प्रबंधन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें जो है वायरल की जो समस्या है वो बहुत अधिक देखने को जो मिलती है। तो अगर समय समय पर जो है इसमें अगर हम इंसेक्टिसाइड जो है, क्योंकि इसमें जो वायरस होता है वो जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं इसके थ्रू ही जो है मूव करता है एक पौधे से दूसरे पौधे में, तो उसके समय समय पर नियंत्रण के लिए इमिडा क्लोरोबिट 17.8 SL 0.5 ml प्रति लीटर पानी का जो है घोल बनाकर है उसका समय समय पर छिड़काव करता रहना चाहिए, जिससे कि आप वायरस से इसमें जो है बच सकते हैं। और इसके उत्पादन की अगर बात करें तो लगभग जो है प्रति हेक्टेयर जो है लगभग 60 से लेकर के 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन जो है ले सकते हैं। मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए खेत की जुताई के समय ही खरपतवार नियंत्रण दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भी जब खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उन्हें निराई गुड़ाई कर खेत से निकाल दें। बेहतर होगा कि मिर्च के पौधे को लगाने के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई अच्छी तरह से कर देनी चाहिए। कीट प्रबंधन के बारे में सही जानकारी किसी भी पौधे की उपज को बढ़ा देती है। मिर्च से जुड़ी ऐसी ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मिर्च की। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसकी खेती से जुड़ी कुछ और अहम बातें। मिर्च की फसल में कीटों का प्रकोप होने से पौधे की बढ़वार में कमी होती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे में नर्सरी लगाते समय, पौधा रोपण के वक्त और फल लगने के दौरान कीटनाशकों का प्रयोग बेहतर पैदावार में मदद कर सकता है। आइए इस बारे में जानकारी दे रहे हैं अनुसंधान केंद्र मंडौर जोधपुर के कीट विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर नारायण लाल डांगी। कि बहुत सारे जो कीट हैं, जैसे रस चूसने वाले कीट हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी हुई, थ्रिप्स हुई, वाइट फ्लाई और कुछ एफिड वगैरह, ये रस चूसने वाले कुछ माइट्स वगैरह लग जाती है, इनकी वजह से पत्तियाँ कप की तरह हो जाती है और ये इसकी वजह से बहुत सारे विषाणु रोग है, जैसे येलो मोज़ेक वायरस डिजीज़ है, वो वायरल डिजीज़ का
प्रचार एक दूसरे एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलाव इन रस चूसने वाले कीड़ों की वजह से होता है। इनके प्रबंधन के लिए हमें शुरू में जब नर्सरी तैयार करते हैं उस समय से ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी में अगर कहीं इन्फेस्टेशन हो, रोग ग्रसित पौधा हो जिससे इन्फेस्टेड पत्ती हुई हो, उसको हमें हटा कर नष्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसप्लांट जब अपनी पौध पूरी तैयार हो जाती है तो ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई करते हैं, उस समय हमें कुछ कीटनाशकों के घोल में डुबा कर भी हम इसको या फिर कोई स्प्रे करके फील्ड में लाएं, ताकि क्या नर्सरी का जो इन्फेस्टेशन है, जो कीट उस पर लग गया है, वो आपके खेत में नहीं आवे और खेत में उस बीमारी की कीट का प्रकोप नहीं फैले। इसके लिए हमें सर्वप्रथम जैसे नीम आधारित इंसेक्टिसाइड है, 1-2% नीम का ऑयल का आप छिड़काव कर सकते हैं, और इसके अलावा इमिडाक्लोबिड नाम की जो दवा आती है, 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर और गोल बनाकर आप इसे छिड़काव करेंगे। इसके अलावा 15 दिन बाद में अगर अपने को कीटों का प्रकोप ज़्यादा रहे तो थायोमिथॉक्सन नाम की जो दवा है, 4 ग्राम दवा प्रति 10 लीटर पानी में गोल बनाकर छिड़काव करनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कई बार दीमक का प्रकोप हो जाता है, हल्की सोयल में दीमक, पौधे की बढ़वार अच्छी होती है लेकिन साथ में दीमक का प्रकोप हो रहा है, तो हमें खड़ी फसल में 4 लीटर क्लोरोपोरिफॉस प्रति हेक्टर के हिसाब से इसमें हम ड्रेंचिंग या सिंचाई के जल के साथ दे सकते हैं। और इसके अलावा कई बार इसमें हेलिकोवर्पा का प्रकोप भी आ जाता है, हेलिकोवर्पा जो हरी मिर्च है उसका छेद कर देता है और लट है अंदर खाती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप जो होती है, जो इसमें जो इसके एडल्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और मेटिक डिस्ट्रप्शन होता है और हमें ये पता भी चलता है कि क्षेत्र में या हेलिकोवर्पा का इन्फेस्टेशन तो नहीं है। कुछ हमें मैकेनिकल मेथड का प्रयोग भी करना चाहिए, जैसे येलो स्टिक की ट्रैप है, ब्लू स्टिक की ट्रैप है, इससे जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स है, थोड़े उड़ने वाले रस चूसने वाले कीड़े हैं, वो इसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और एक तरह से मैनेजमेंट का काम करेंगे। मिर्च की खेती के दौरान खेत की लगातार निगरानी करते रहनी चाहिए क्योंकि फसल पर दीमक का प्रकोप हो सकता है। इसके अलावा पौधों पर लीफ कप वायरल डिजीज भी लग सकती है जिस कारण पौधों का प्रकाश संस्करण प्रभावित होता है और पौधे बौने रह जाते हैं। इससे बचने के लिए दवा का छिड़काव जरूरी होता है। 4 बीमारियां मुख्यतः चीली के अंदर नुकसान पहुंचाती है, जिसमें प्रथम शुरुआती अवस्था में आपके जो आद्र गलन पौध विगलन बीमारी लगती है, जिसको कि डैम्पिंग ऑफ के नाम से जानते हैं, उस बीमारी का इन्फेस्टेशन होता है। देन उसके बाद में आपका एंथ्रेग्नोज जो फ्रूट रोट के नाम से जानी जाती है वो बीमारी आती है, उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट आती है और आपका एक वायरल डिजीज आती है जो सबसे मुख्य बीमारी मानी गई है। तो डैम्पिंग ऑफ की अपन बात करें तो किसान भाइयों, डैम्पिंग ऑफ जो पौध आद्र विगलन रोग है वो बीमारी जनरली आपके नर्सरी अवस्था से ही मिर्ची में शुरू हो जाती है, और जब आप नर्सरी बनाते हैं तो नर्सरी के अंदर जो पौधे हैं जो बीच बीच में जगह जगह से गिरने लगते हैं तो वो डैम्पिंग ऑफ के लक्षण होते हैं। इसके लक्षणों के बारे में विस्तार से अपन बात करें तो विस्तार में जो मिर्ची का जो छोटी छोटी सीडलिंग्स डेवलप होती है, सीडलिंग्स जमीन के पास वाले तने से बिल्कुल सिकुड़ने लग जाती है और पूरा पौधा मुड़ के नीचे गिर जाता है, और साथ में फिर उसके बाद में आसपास के 2-4 पौधे सूखते हैं और धीरे धीरे पूरा पैचेज बन जाता है, वो पैचेज फैलता फैलता पूरी नर्सरी को नुकसान पहुंचा देता है। ये एक फफूंद जनित बीमारी होती है और बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, जो कि पीथियम अफेनेट मेट्रम और पीथियम स्पेसीज के द्वारा होती है। तो ऐसी बीमारी के नियंत्रण के लिए या निदान के लिए किसान भाइयों को चाहिएगा कि इसको सर्वप्रथम बीजोपचार करें, बीजोपचार करने के बाद ही उसको आगे बुआई के काम में लें, क्योंकि ये बीमारी आपके बीज के द्वारा फैलती है और ज़मीन के द्वारा फैलती है। तो ज़मीन में भी इसके बीजाणु हैं, ज़मीन के अंदर भी उपस्थित रहते हैं, तो ज़मीन को भी आप भूमि उपचारित कर लें या ऐसी जगह पर नर्सरी बनाएं जहाँ पर पहले से ऑलरेडी कहीं पर कभी नर्सरी नहीं बनाई हो या जहाँ पे ज़मीन थोड़ी सी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में आपको नर्सरी तैयार करनी होती है। बीजोपचार के लिए बहुत सारे फंजीसाइड्स है, जैसे कैप्टान है, थायराम है, उसकी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके बुआई के काम में लेंगे तो आपके ये डैम्पिंग ऑफ पौध विगलन बीमारी से निजात मिल सकेगी। मिर्च की फसल की पहली उपज तैयार होने में 70-80 दिनों का समय लग जाता है। मिर्च की खेती उचित और उन्नत तरीके से की जाए तो उससे अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो जाता है। पौधों पर मिर्च लगते समय मौसम के तापमान का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कम या अधिक तापमान
फल लगने की प्रक्रिया पर असर डालती है। मिर्च के पौधों पर मिर्च आने के दौरान 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। अगर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो मिर्च में फूल झड़ने लगते हैं, और अगर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो मिर्च के पौधे में लगे फल भी गिरने लगते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो दूसरी बीमारी है आपकी एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज जो कि अभी आप देख रहे हैं ये मिर्ची का खेत है, तो इस अवस्था में स्टार्ट होने लगती है। हालांकि इसके सिम्टम्स पहले होते हैं लेकिन इसका नुकसान इतना नहीं होता, जब फ्रूटिंग स्टार्ट होने लगती है या फ्रूट सेट होने लगते हैं उसी अवस्था में आता है। इस बीमारी के लक्षण की अपन बात करें तो बीमारी के लक्षणों में सर्वप्रथम मिर्ची के पौधे हैं ऊपर से सूखने लगते हैं, इसको डाईबैक या फ्रूट रोट के नाम से भी जानते हैं, जो सीड्स आरंभ सूखा रोग बोलते हैं, जिसमें ऊपर से पत्तियाँ आपके नीचे सूखने लगती है और पूरा तना सूख के कम्प्लीटली पौधा सूखने लगता है, और इसमें फ्रूट्स के ऊपर भी इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो छोटे छोटे फूल फल लगते हैं फलों पे इसके छोटे छोटे से हल्के भूरे कलर के धब्बे बनते हैं, बाद में धीरे धीरे पूरे फल के ऊपर फैल जाते हैं, और ऐसे फूल अल्प अवस्था में ही कम विकसित हुए नीचे गिर जाते हैं, या जो फूल डेवलप होते हैं वो बिल्कुल लाइट कागज़ के जैसे कलर के व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं और बिल्कुल लाइट वेटेड हो जाते हैं, और जो मिर्ची प्रॉपर विगर मिलना चाहिए थी वो प्रॉपर विगर या वेट नहीं मिल पाता है, और ऐसी मिर्ची से संक्रमित बीज है उनका साइज और उनका शेप भी बिगड़ जाता है। तो ये एंथ्रेक्नोज बीमारी सबसे भयंकर बीमारी है उन इलाकों में जहाँ पे जनरली आपका हेवी सोइल रहती है या ज़्यादा डेंसिटी में प्लांट पॉपुलेशन रहते हैं, उस कंडीशंस में ये बीमारी आती है। तो ऐसी बीमारी अगर आती है तो इसके लिए बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं, जिनमें से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका 0.2% की दर से छिड़काव करें, इसके साथ साथ कार्बेंडाजिम है उसका भी 0.2% की दर से आप छिड़काव करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो बीमारी बताई थी वो है जीवाणु पत्ती धब्बा रोग, बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ चिली। ये बीमारी जनरली आपके उन इलाकों में होती है जहाँ पे ज़्यादा इरेगुलरिटी के साथ में पानी वगैरह देते हैं या हेवी सोइल्स होती है। ये बीमारी जीवाणुजनित बीमारी है चूँकि, और इस बीमारी के लिए अगर सिम्टम्स की अपन बात करें तो सिम्टम्स में छोटे छोटे स्मॉल कलर के धब्बे बनते हैं और देन उसके बाद में आपस में वो धब्बे कोलेस होकर पूरे पत्ती पे फैल जाते हैं, और ये भी काफ़ी अगर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती है तो ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी जीवाणुजनित बीमारियाँ अगर दिखाई देती है ऐसे, तो इसके निदान के लिए अपन कोई भी एंटीबायोटिक्स दवाई है जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसका आप स्प्रे कर सकें। इसके लिए 1 ml प्रति 5 लीटर पानी के लिए मिला के उसका स्प्रे करेंगे। साथ ही साथ कुछ फंजीसाइड्स है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि आपका कोपरोक्सीक्लोराइड है, कोपरोक्सीक्लोराइड 0.3% की दर से इसका भी छिड़काव काफ़ी हद तक लाभकारी होता है। और जो चौथी बीमारी बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वायरल डिजीज में है या वेजिटेबल्स क्रॉप्स की बात करें, सभी क्रॉप्स में वो आती है जो मिर्ची के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ये वायरल डिजीज़ है जिसको कि लीफ कर्ल वायरस या मिर्ची का मुड़ुआ रोग या इसका माथाबंदी रोग भी कहते हैं, और ये जनरली आपके शुरुआती अवस्था में जैसे इन्फेस्टेड सीड अगर आप काम में लेते हैं या ऐसी जगहों पे आप नर्सरी तैयार करते हैं जहाँ पे कीड़ों का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है, वाइट फ्लाइट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है, तो ये बीमारी बहुतायात से फैल जाती है। एक खेत में अगर 1-2-4 पौधे हैं तो अगर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती है और क्या नाम से आप इसमें टाइमली इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं तो ये बीमारी आपकी काफ़ी फैलने की संभावना रहती है। तो ऐसी बीमारी में अगर लक्षण की बात करें, पत्तियां ऊपर से मुड़ जाती है, आप उसमें नीचे की साइड में मुड़ सकती है या ऊपर की साइड में भी अपवर्ड रोलिंग भी हो सकती है। तो ये वायरल डिजीज़ है, इसमें अगर शुरुआती अवस्था में बीमारी लग जाती है तो इसमें बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे संक्रमित पौधे होते हैं जिनके अंदर क्या नाम से आपके ना तो फ्रूट सेट हो पाते हैं और होते हैं तो बहुत ही छोटे या लाइट वेटेड बनते हैं। तो ऐसी बीमारियों के निदान के लिए समय समय पर आप इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक बताए गए हैं जिसमें डाइमिथोइट है, इमिडाक्लोप्रिड है, उनका आप स्प्रे करें। अगर डाइमिथोइट आप काम में लेते हैं तो उसका 1.1% की दर से आप स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। बाकी का समय समय पर आप इसकी जो बहुत सारी कर्षण क्रियाएँ हैं, बहुत सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है जिनका प्रयोग करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मिर्च के पौधे की रोपाई करने के करीब 85 से 95 दिन बाद फल तोड़ने योग्य हो जाता है। इस प्रकार 1 से 2 सप्ताह के अंतराल पर पके फलों को तोड़ लिया जाता है। इस तरह फसल की 8 से 10 बार तोड़ाई की जाती है। सूखी मिर्च के लिए फलों को 140 से 150 दिन बाद जब तोड़ा जाता है, मिर्च का रंग लाल हो जाता है। पकी हुई मिर्च को 8 से 10 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। आधा सूख जाने पर मिर्च को सायंकाल के समय एक ढेरी में इकट्ठा करके दबा दिया जाता है। ऐसा करने से मिर्च तीखी हो जाती है।
बड़े पैमाने पर मिर्ची को 53 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2 से 3 दिन तक सुखाया जाता है। मिर्च की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बाद और अनुकूल परिस्थितियों में हरी मिर्च की सामान्य किस्मों से औसत उपज 125 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों से 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त की जा सकती है। ये पैदावार स्थान और मौसम के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। सूखी मिर्च सामान्य किस्मों से 25 से 30 क्विंटल और संकर किस्मों से 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। मिर्च का शुरुआती भाव प्रारंभ से ही काफी अच्छा होता है। किसान भाई मिर्च की खेती से प्रति हेक्टेयर करीब 5 से 8 लाख रुपए की आय प्राप्त कर सकते हैं। युवा किसान मिर्च की उन्नत किस्मों की पैदावार कर अधिक मुनाफा कमा कर रोजगार का एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। मिर्च की फसल को साफ करके उन्हें उनके आकार के आधार पर बांटें और पैक कर लें। इसे पैक करने के बाद बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। मिर्च की फसल को पैक करने के लिए कार्टून, फाइबर बॉक्स या अलग आकार की बांस की टोकरियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दुनिया में मिर्च के सबसे बड़े निर्यातक देशों में भारत शामिल है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भारत में उगाई गई मिर्च लंदन भेजी गई, दुबई और श्रीलंका से भी ऑर्डर मिला। इसके अलावा भारत की मिर्च सऊदी अरब और चीन को भी भेजी गई। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों की वजह से महामारी के दौर में मिर्च काफी लोकप्रिय हुई है। मिर्च के औषधीय गुणों के कारण ही इसकी निर्यात मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान मात्रा के आधार पर निर्यात में 42% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। भारत ने 484,000 टन मिर्च और अमिर्च उत्पादों का निर्यात किया। भारत में पैदा होने वाली मिर्च पूरे विश्व में कितनी प्रसिद्ध है, इसका प्रमाण देश में पैदा होने वाली राजा मिर्च से मिलता है। राजा मिर्च, जिसे नागा राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, ये पहली बार है जब नागालैंड राज्य से राजा मिर्च का निर्यात लंदन को किया जा रहा है। वर्ष 2008 में राजा मिर्च को भौगोलिक संकेत प्रमाणन प्राप्त हुआ था। कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर राजा मिर्च दुनिया की शीर्ष 5 सबसे तेज मिर्चों में से एक मानी जाती है। आज के दौर में मिर्च की खेती किसानों के लिए मुनाफे का एक बेहतर विकल्प साबित हो रही है। किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रही सरकार के संकल्पों को पूरा करने में मिर्च की खेती एक बेहतरीन रास्ता बन सकती है। एक ऐसे दौर में जहां युवा खेती से दूर भागने की कोशिश कर रोजगार के दूसरे रास्तों को तलाश रहा है, ऐसे में मिर्च की खेती को भी रोजगार का ही एक हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये थी मिर्च से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही रोचक जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि ये सभी जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय और जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।